हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन, आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने लैपटॉप को कीबोर्ड के थ्रू किस तरीके से शॉर्टकट की के थ्रू किस तरीके से उसको फास्टली शट डाउन करोगे। लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, दोनों में सेम तरीका काम करेगा और कोई सी भी विंडोज हो, लगभग सभी विंडोज में वो तरीका काम कर सकता है। तो करते हैं वीडियो के स्टार्ट। छोटा सा वीडियो होगा और मैं उसमें दो तरीके बताऊंगा और दो तरीके होंगे बोनस। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में जो तरीके बताऊंगा वो तरीके होंगे अगर आप कई बार फंस जाते हो कि किस तरीके से फास्टली शट डाउन करें और आपके कीबोर्ड और माउस भी काम नहीं कर रहा हूं तो उसको किस तरीके से बंद करें, तो वो तरीके भी आज मैं बताने वाला हूं। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। दोस्तों, ये मेरा लैपटॉप है और मैं इसको बंद करने का तरीका बताता हूं। ये जो विंडोज की है, इसको दबा के और एक्स का बटन दबाएंगे, विंडोज प्लस एक्स, ठीक है। देन यू का बटन प्रेस करेंगे, यू और यू, तो ये शट डाउन हो गया। पहला शॉर्टकट की यही है दोस्तों, और ये प्रॉपरली शट डाउन हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। जितनी देर ऑन होता है मैं आपको बताता हूँ आपको कि ये जो विंडोज अपन ने क्या प्रेस किया था, विंडोज प्लस एक्स का बटन दबाया था और देन फिर उसके बाद यू और एंड यू, ये दो बार यू यू का बटन दबाना है और आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है वो शट डाउन हो जाएगा। इसके बाद मैं दूसरी आपको शॉर्टकट की बताता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ऑल्ट का बटन दबाना है, ऑल्ट देन F4, ऑल्ट F4 का बटन दबाओगे तो ये विंडो सामने आएगी। यहाँ पे ये देख लेना, आपको शट डाउन का ही बटन आना चाहिए, ये डिफॉल्ट शट डाउन का ही आता है। देन आपको सिर्फ एंटर मारना है, एल्ट F4 एंड एंटर, बस इतना सही प्रेस करना है और आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं दो बोनस चीज ही बताऊंगा। अगर आपका लैपटॉप प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा हो, अटक अटक के चल रहा हो और कोई भी चीज काम नहीं कर रही हो प्रॉपरली, कीबोर्ड माउस कुछ भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा हो, तो फिर आपको क्या करना है, आपको बटन दबाना है कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट का बटन दबाना है और ये विंडो खुल के आ जाएगी आपका कीबोर्ड। अगर काम ढंग से नहीं कर रहा हो तो भी उस समय ये बटन तो काम कर जाते हैं। आपका लैपटॉप हैंग सा हो रहा हो, बार बार प्रॉब्लम कर रहा हो, तो भी ये कंट्रोल ऑल्ट डिलीट तो काम कर जाता है, एक दो बार दबाओगे तो आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आप यहाँ पे जाके शट डाउन पे जाके देन इसको शट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मैं अब शट डाउन नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ से बटन दबाया आप शट डाउन हो जाएगा, मैंने एस्केप किया। और इसके अलावा दोस्तों, लास्ट जो मैंने बोनस से आपको टिप बता रहा हूँ वो ये है कि आपका कीबोर्ड और माउस दोनों ही काम नहीं कर रहे, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप को फास्टली शट डाउन करना पड़ेगा। जो भी आपका पावर का बटन है जिससे आप ऑन करते हो, उसको 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है, आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप बंद हो जाएगा। आप एक बार दबाओगे तो डिस्प्ले चला जाएगा, लेकिन आपको 7-8 सेकंड 10 सेकंड तक दबा के रखना है ताकि वो प्रॉपरली शट डाउन हो जाए या बंद हो जाए, ठीक है। और ये बंद हो चुका है क्योंकि आप जैसे ही बटन दबाओगे पहले तो वो स्लिप मोड में जाएगा, देन उसके बाद बंद होगा फर्स्टली, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।